वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको द्विघात समीकरणों के गुण के बारे में बताने जा रहा हूँ, कैसे द्विघात समीकरण के गुण निकालते कैसे हैं। तो जब आपका समीकरण दिया हो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, द्विघात समीकरण के दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, और उसको हम द्विघात समीकरण के गुण निकालने के लिए हमें d = B² - 4AC से निकालते हैं। तो द्विघात समीकरण का गुण ज्ञात करने के लिए सबसे पहले विव्युत्कर मान पता करते हैं। तो विव्युत्कर मान होता क्या है? विव्युत्कर मान आपका B² - 4AC से निकालते हैं और इसे हम d से व्यक्त करते हैं, यानी कि d से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये D = B² - 4AC से पता करते हैं। तो ये द्विघात समीकरण के गुण कैसे निकालते हैं, बस इसी के माध्यम से निकालते हैं। कंडीशन ये है कि जब D > 0, जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो मूल वास्तविक होंगे और इनके दो मूल होंगे अल्फा और बीटा, और ये क्या होंगे? असमान होंगे। जब D > 0 होगा तो मूल वास्तविक तथा असमान होंगे, और जब D = 0 हो तो मूल वास्तविक और बराबर या समान होते हैं। तो जब बराबर की कंडीशन में आएगा तो यानी कि इनके मूल जो होंगे अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, यानी कि इनके मूल जो होंगे आपस में सेम होंगे। इस कंडीशन में जब D < 0, जब d की वैल्यू 0 से कम हो, यानी कि d की वैल्यू निगेटिव में आ जाए, यानी कि माइनस के फॉर्म में आ जाए, तो मूल कोई भी वास्तविक नहीं होगा, या कह सकते हैं काल्पनिक हो सकता है, अधिकल्पित हो सकता है, या असमान हो सकता है। ये कंडीशन होती है, जब ये कंडीशन आपको मिलेगी तो इस कंडीशन में मूल वास्तविक नहीं होगा, काल्पनिक होगा मूल, अधिकल्पित हो सकता है, असमान हो सकता है। इस तरीके से हम किसी भी द्विघात समीकरण के गुण यानी कि द्विघात समीकरण की प्रकृति पता लगा सकते हैं। तो यहाँ पे द्विघात समीकरण के अगर कंडीशन ये है, द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो समीकरण कोई भी दे दिया जा सकता है। जब कोई समीकरण ax² + bx + c = 0 के फॉर्म में हो और हमें उसका मूलों का योगफल और गुणनफल निकालना हो, तो क्या होता है मूलों का गुणनफल निकालने का फार्मूला? तो जब मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो α + β = -b/a से निकालेंगे, और मूलों का जब गुणनफल निकालेंगे तो c/a से निकालेंगे। तो यानी कि जब भी कोई समीकरण होगा तो उसको हम ax² + bx + c से हम तुलना कर देंगे, और तुलना के हिसाब से a की वैल्यू निकालेंगे, b की वैल्यू निकालेंगे, c की वैल्यू निकालेंगे। इस तरीके से फार्मूले में रखेंगे तो मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं। और जब द्विघात समीकरण के जब मूल दिए हों और समीकरण निकालने के लिए कहे, तो क्या होता है? ये तरीका होता है x - α (x - β) = 0। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करने पे आपका ये इक्वेशन बनेगा x² - μ/u(x+α(β) = 0। तो आप डायरेक्ट ये भी ऐसे भी ले सकते हैं, आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं। तो आपका द्विघात समीकरण जब मूल दिए होंगे तो उसका समीकरण बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस माध्यम से। और जब कंडीशन को फॉलो करेगा तो अगर मूल वास्तविक होंगे और तो मूल वास्तविक और असमान होंगे, तब हम मूल कैसे निकालेंगे? इस फॉर्मूले से निकालेंगे, श्रीधराचार्य विधि से। तो यानी कि उस कंडीशन में मूल जो होंगे x = -b + -√(b²-4ac/2a) से हम मूल पता कर सकते हैं। तो एक बार हम प्लस साइन लेके करेंगे तो वो आपका अल्फा हो जाएगा, एक बार माइनस साइन लेके करेंगे तो वो आपका बीटा हो जाएगा। तो इस तरीके से दो मूल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं उस द्विघात समीकरण में ए बी सी की वैल्यू पता करने के बाद। तो ये है तरीका द्विघात समीकरण के गुण निकालने की विधि। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।